हेलो एवरीवन, मैं हूँ आरके और आप देख रहे हैं आरके टेक जोन। आप सभी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे एक छोटा लेकिन पावरफुल वाटर पंप। तो आपका मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधा चलते अपने वर्किंग टेबल पर। A few inches later. तो आ गए हम हमारे वर्किंग टेबल पर। हमारे पास है यहाँ पर एक 1 इंच का PVC पाइप। इसका यूज़ जो है घरों में ओपन वायरिंग के लिए किया जाता है। ये जो पाइप है आपको इलेक्ट्रिकल शॉप में आसानी से मिल जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ DC मोटर्स हैं, उनमें से हमें जो है इस वाले DC मोटर को यूज़ नहीं करना, क्योंकि इसका जो है टॉर्क ज़्यादा होता है, RPM कम होता है। तो इस वाले DC मोटर को हम यूज़ नहीं करेंगे। इसके बाद यहाँ पर 2 DC मोटर्स और हैं, तो इनका जो है RPM तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है इस पाइप पे ये जो मोटर्स है फिट नहीं आ रहा है। हमें जो है अपने पंप को जो है क्या बोला तूने, कॉम्पैक्ट भी बनाना है और पावरफुल भी बनाना है। तो इसलिए हम इन 2 DC मोटर्स को भी यूज़ नहीं करेंगे। बचता है ये छोटा वाला DC मोटर। इसका RPM भी बहुत अच्छा है और ये कॉम्पैक्ट भी है, छोटा है, जो कि इस PVC पाइप के अंदर आसानी से आ जाएगा। तो हम जो है इसी DC मोटर को यूज़ करेंगे। ये जो है 3 वोल्ट से लेकर के 6 वोल्ट तक से ऑपरेट हो जाता है। तो यहाँ पर हम जो है DC मोटर के जो साइज़ के हिसाब से जो है हम यहाँ पर PVC पाइप को कट कर लेते हैं। तो चलिए इसमें मार्क कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर जो इतना पे साफ्ट है, तो यहाँ तक मैं जो है इस PVC पाइप को कट कर लेता हूँ। A few moments later. तो यहाँ पर हमने जो है PVC पाइप को मोटर के हिसाब से कट कर लिया है। थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा रखा है, क्योंकि हमें जो है वहाँ पर जो है इम्पेलर लगाना है। तो अब यहाँ पर हम जो है PVC का एक और टुकड़ा लेते हैं और इसको जो है इस पाइप के साइज़ के हिसाब से यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। पर मैंने जो है एक नहीं 2 शीट जो यहाँ पर कट किए हैं राउंड शेप में, और ये इसको हमें इस तरह से रखना है कि ये एक जो है इस पाइप के अंदर आसानी से आ सके और दूसरा उससे छोटा, जिससे हम इसका इम्पेलर बनाएंगे। तो चलिए इसको हम सबसे पहले जो इसमें मोटर को फिट करते हैं इस पाइप के अंदर में, उसके बाद हम इम्पेलर बनाएंगे। तो इस मोटर को हमें फिट करने के लिए जो हमने जो बड़ा डिस्क जो हमने कट किया था उसको हमें सेंटर निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम उसका सेंटर निकाल लेते हैं, उसके बाद जो है इस मोटर को फिट करेंगे। A few moments later. तो यहाँ पर हमने जो है PVC का जो डिस्क हमने कट किया था उस पर हमने यहाँ पर सेंट्रल निकाल लिया। अब यहाँ पर हमें इस मोटर के इसके साइज़ के हिसाब से हमें यहाँ पर होल करना है, तो उसको भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर डिस्क में होल हो चुका है। अब हमें इस मोटर को जो है इसमें फिट करना है, तो यहाँ पर इसको हम फिट कर लेते हैं अच्छे से। डिस्क को जो है मोटर में फिक्स कर दिया है। इसमें मैंने सुपर ग्लू का यूज़ किया है, आप किसी और चीज़ सॉल्यूशन का यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद जो इस मोटर को इस पाइप के अंदर में हम फिक्स करते हैं। तो इसको कुछ इस तरह से हमें इसके अंदर लगाना है और इसको भी हम सुपर ग्लू से और जो है एक सॉल्यूशन है उसके साथ हम इसको जो है फिक्स करेंगे अच्छे से। वाटर प्रूफ बनाना है हमें, जो मोटर के तरफ जो है हमें पानी नहीं जाने देना है। तो बहुत बढ़िया जो कॉम्पैक्ट हमारा जो यहाँ पर पंप है वो बनने वाला है। और हमें जो इस मोटर को अच्छे से यहाँ पर सेंट्रल पे फिक्स करना है और थोड़ा सा यहाँ पर हम इस तरफ गैप देते हैं ताकि यहाँ पर हमारा जो इम्पेलर है वो आ सके यहाँ पर। तो चलिए इसे हम अच्छे से फिक्स कर लेते हैं। मोटर को तो मैंने अच्छे से यहाँ पर जो सुपर ग्लू से लगा करके यहाँ पर मोटर को अच्छे से फिक्स कर दिया है, लेकिन अभी भी इधर इस तरफ जो खाली जगह है तो इसमें भी हमें जो है ग्लू भरना पड़ेगा। तो उसे पहले जो हम यहाँ से इस मोटर का जो वायर है उसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ से जो मैंने वायर निकाल लिया है, अब इसमें जो है हम थोड़ा सा ग्लू भर देते हैं ताकि मोटर जो अपने जगह पे फिक्स रहे। तो यहाँ पर मैंने जो है ग्लू को फिलअप तो कर लिया। अब इसके बाद हमें एक डिस्क PVC का डिस्क और लेना है और इसको जो है यहाँ पर हमें सुपर ग्लू से फिक्स कर देना है ताकि हमारा जो ये पंप है वो वाटर प्रूफ बन सके। उसके बाद यहाँ पर वायर के जगह पे हमें जो है फिर से ग्लू डालना पड़ेगा। तो उससे पहले हम इसे सुपर ग्लू से फिक्स कर देते हैं। मोटर है वो अच्छे से पैकिंग हो चुका है, वाटर प्रूफ हो चुका है। हमने यहाँ पर देखिए पीछे से जो है कैप लगा करके इसको सुपर ग्लू से अच्छे से चिपका दिया है और बचा है यहाँ पर वायर की जगह पे, तो इस पर भी हम बाद में जो है सॉल्यूशन डाल करके इसको फिक्स कर देंगे। तो अब आते हैं इसके सामने की तरफ। तो इस पर हमें अब इम्पेलर बनाना है। तो इम्पेलर बनाने के लिए हमने यहाँ पर जो है एक PVC का छोटा सा डिस्क और कट किया और इस पर हमने जो है प्लस का साइन बनाया हुआ है। तो इन्हीं जगह पर हमें जो है
इनका ब्लेड्स जो है हमें लगाने हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है इम्पेलर बनाने के लिए कुछ छोटे छोटे पीवीसी के और टुकड़े किए हुए हैं, उनको जो है हमें इस डिस्क पर चिपकाना है। तो चलिए उसको भी चिपकाते हैं। तो इम्पेलर जो है बनकर रेडी हो चुका है, और इस इम्पेलर को इस पंप में लगाने से पहले जो है हमें इसमें होल करना होगा आउटलेट और इनलेट के लिए। तो सबसे पहले जो होल कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर होल हो चुका है। अब यहाँ पर हम एक इस तरह का सुई का कैप लेंगे। यहाँ पर सुई का तो काम नहीं है हमें, यहाँ इस कैप का काम है। इस कैप के जो सामने वाला पार्ट है उसको हम जो है इनलेट के लिए यूज़ करेंगे, और जो आगे का पार्ट है उसको हम आउटलेट के लिए यूज़ करेंगे। तो चलिए इसे यहाँ पर लगाने के लिए कट करते हैं। तो इसे मैंने कट कर लिया है, देखिए यहाँ पर इसको मैंने थोड़ा सा टेढ़ा कट किया। इसको जो है हम यहाँ पर जो है सुपर ग्लू से फिक्स कर देते हैं। आउटपुट वाला जो पाइप है हमने यहाँ पर लगा दिया है। अब हमें इस पर जो हमने जो इम्पेलर बनाया था उसको हमें लगाना है। तो सबसे पहले इस पे इम्पेलर को लगा देते हैं। या इसको भी हमने जो है सुपर ग्लू से अच्छे से फिक्स कर दिया। अब आते हैं इसके ऊपर के कवर पर। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो है डिस्क कट किया उसको भी बीच से होल कर लिया है। अब इसको जो है यहाँ पर अच्छे से सुपर ग्लू से लगा देते हैं। ऊपर का कैप जो है इसको भी सुपर ग्लू से अच्छे से फिक्स कर दिया। अब यहाँ पर जो इसका इनलेट वाला जो पाइप है इसको भी यहाँ पर लगा ही देते हैं। The next day. तो यहाँ पर हमारा जो सबसे छोटा और कॉम्पैक्ट वाटर पंप जो है वो बनकर रेडी हो चुका है। यहाँ पर हमने इसके बेस के लिए यहाँ पर पीवीसी पाइप का टुकड़ा ही यहाँ पर लगाया है, क्योंकि ये जो है रखने पर ये जो इधर उधर लुढ़क रहा था राउंड शेप होने के कारण, तो इसके लिए हमें बेस बनाना पड़ा। तो ये जो बहुत ही लुक वाइज भी बढ़िया है और परफॉर्मेंस इसका देखना बाकी है। तो चलिए इसको टेस्टिंग के लिए ले चलते हैं। तो यहाँ पर हम आ गए टेस्टिंग करने के लिए इस वाटर पंप का, और यहाँ पर हमने बाल्टी में पानी लिया हुआ है, और इसको ऑपरेट करने के लिए हम यहाँ पर 4 वोल्ट की जो बैटरी है वो ले रहे हैं। तो इसको पानी में डुबाना है और इसको हम जो है पावर देते हैं और देखते हैं कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत बढ़िया जो है ये हमारा पंप जो है काम कर रहा है। काफ़ी हाइट तक जो है ये पानी को ऊपर फेंक रहा है। तो इसको हम जो है अपने जो साइंस प्रोजेक्ट होता है उसमें यूज़ कर सकते हैं। हमें अगर फाउंटेन बनाना है तो उसके मिनी फाउंटेन उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सारे जगहों पे इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बढ़िया जो है पावरफुल वाटर पंप यहाँ पर बनकर रेडी हो चुका है। इसका परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। भाई मज़ा आया। तो होप आप लोगों को ये जो वीडियो है अच्छा लगा होगा। ये जो मिनी वाटर पंप हमने बनाया है काफ़ी अच्छा है, इसको आप बहुत सारे जगहों पे यूज़ कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे अगले प्रोजेक्ट के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।